एग्जाम तो ऐसे लगा रहा है मानो मेरी वजह से किसी का रेप या मर्डर हुआ। इतनी बकवास करनी थी तो डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन किया? क्या बात है सर, आप तो सीधे गेस्ट हाउस जाने वाले थे, फिर ये सीढ़ी लेकर यहाँ क्यों आ गए? वॉल्टर वासु का फोन है सर, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? आप खामोश क्यों है सर, क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू क्यों है सर? मैंने आपको पहले कभी रोते नहीं देखा, बात क्या है सर? जरूर एयरपोर्ट पर कुछ हुआ है, बताइए ना सर। कुछ नहीं हुआ मूर्ति। कुछ नहीं हुआ होता तो आपकी गाड़ी सीधे गेस्ट हाउस जाती, पुलिस स्टेशन क्यों आई है? कुछ नहीं हुआ होता तो ये सीढ़ी वॉल्टर वासु के हाथों में होती, यहाँ नहीं होती। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो आप वॉल्टर वासु का फोन उठाकर बात करते। मेरे दिमाग पे ताला नहीं लगा, मेरा दिमाग कहता है कुछ न कुछ जरूर है। आप बदल गए हैं, आप बदल गए हैं, आप बदल गए हैं। मैं बिल्कुल नहीं बदला हूँ, मैं वही पुराना मवाली हूँ, मैं वही करप्ट शैतान हूँ जो एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती करेगा, मैं वही दया हूँ जिसमें दया का नाम निशान नहीं है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। Stop it! आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं सर, आप बदल चुके हैं सर। मैंने कहा ना मैं नहीं बदला हूँ। आप चाहे जो भी कह ले सर, पर इस बात को झुठला नहीं सकते कि आप बदल गए हैं। I will shoot you, मूर्ति जी। I will shoot you, मूर्ति जी। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, बस इसीलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। मूर्ति जी कहा? इतने दिनों में पहली बार आपको समझ में आया कि मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ। बड़े छोटे की समझ और बड़ों के लिए तहजीब आप में कब से आ गई सर? अभी आपके अंदर इंसानियत जागी है। आप बदल चुके हैं सर, मैं कह रहा हूं आप बदल चुके हैं। मेरी बात मानिए, आप बदल गए हैं। माँ की कोख से निकलते हुए आपको कितनी तकलीफ हुई ये तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन अपने इस नए जन्म से आपको बहुत तकलीफ हो रही है सर, बहुत तकलीफ हो रही है। सर आप बदल गए हैं ऐसा मेरा कहना है, लेकिन मेरी इस बात से आप सहमत नहीं हो ना तो खुद ही देख लो। अगर ये दरिंदे यहाँ आकर सीढ़ी लेकर चले गए तो आप सही होंगे, लेकिन अगर ये आपसे अपने हाथ पैर तुड़वा कर वापस गए तो मैं सही साबित होऊंगा। आज झूठ और सच का फैसला होकर रहेगा, मैं वहाँ बैठकर ये सब कुछ देखूंगा। हो जाने दो सही गलत का फैसला। तूने भाई का फोन क्यों नहीं उठाया? सीडी दे रहा है कि नहीं? सीडी चाहिए तुम्हें? सर के पास वहीं बेंच पर पड़ी है, जाओ उसे लेकर जाओ। यही रूप देखना चाहते थे ना आप, तो फिर रुक क्यों गए? हाथ उठाओ और सैल्यूट करो मुझे। जितनी बार आप इन्हें मारेंगे उतनी बार हम सैल्यूट करेंगे। हम सैल्यूट करते हैं हमारे एसआई को, छोड़ना मत इन्हें। मेरा भारत महान, भारत महान।
मदुराई शहर में आया है। ए, अब तक तुमने सिर्फ करप्शन की कोख से पैदा हुए ऑफिसर्स देखे, लेकिन अब मेरी भारत माता ने एक ईमानदार ऑफिसर को जन्म दिया है। उसका नाम है दया, 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 जो तुम्हारी पाप की दुनिया को जलाकर राख कर देगा। आज उसके अंदर का हिंदुस्तानी जाग गया है, इसलिए अब तुझे और तेरे इन वैश्य कुत्तों को कोई नहीं बचा सकता। आता पुलिस चीफ सटकली। ए, ए, ये मेरा डायलॉग था। हाँ, डायलॉग मार रहा है सर। एक घंटे पहले उससे बात हुई थी सर, अमेरिका के दो टिकट बुक कराने के लिए कहा था, सीडी लेकर आने वाला था वो। अब ये पुलिस वाला मेरा डायलॉग मुझे सुनाकर चला गया। उसने जो कहा वो मैं समझ गया। अरे, उसकी माँ को बेटा हुआ है तो उसका वहाँ रहना जरूरी है ना, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ सका। कब से तुम सीडी सीडी की रट लगा रहे हो? अगर इतनी ही इम्पोर्टेंट थी तो उसे दी क्यों? अब ऐसे मिनिस्टर किसने बनाया? मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया था और कुछ नहीं। वो हरामी हमें चूना लगाकर चला गया और तुमने उसे यहाँ लाकर हमारे सर में बैठा दिया। याद नहीं है तुम्हें? तुमसे हरामी आदमी यहाँ लाने को कहा था, अब तुम ही शिकायत कर रहे हो। तुम लोग तुरंत यहाँ से कहीं भाग लो, अंडरग्राउंड जो जाकर कहीं, चलो निकलो। भैया, हमने ऐसा किया क्या, बताओ तो। जानते हो तुम लोगों ने क्या किया है? बताता हूँ क्या कारनामा किया है तुम लोगों ने। मर्डर मर्डर जैसा होना चाहिए, रेप रेप जैसा होना चाहिए, वो सब तो छोड़ो। कैमरे से शूट करके अपना ही स्टिंग ऑपरेशन कर लिया, मेरे ही सर में मुसीबत डाल दी। सीडी बनाने चले थे, पिक्चर बना ली थी क्या, रिलीज कर दी थी। भाग जाओ से, अंडरग्राउंड जाओ। भैया, वो हमें वाइजैक से बाहर नहीं जाने दे रहा, अब हम क्या करें? जहाँ हो वहीं छुपे रहो, जब तक मैं न कहूँ वहां से निकलना मत। वेंकटराव जी, मैंने सुना आपके पास एक फार्म हाउस है, दरअसल मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, आपसे मिलना था। मैं उसे खो चुका हूँ, उस पर गुंडों ने कब्जा कर लिया है। अरे, बुरा हुआ, किसने किया ये सर? गुंडों के लिए तो ये आम बात है, मगर एक पुलिस वाले ने उनकी मदद की है, रक्षक ही भक्षक बन गया। क्या आपको गुस्सा नहीं आया? उस पुलिस वाले को कुछ करने का मन नहीं किया आपका? गुस्सा? उसे थप्पड़ मारकर पूछना चाहता था, क्या यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? मैं एक अनाथ हूँ सर। मेरे माँ बाप नहीं है सर, एक लावारिस हूँ। गटर में पैदा हुआ और वहीं पला बढ़ा, मुझे अच्छा बुरा सिखाने वाला कोई नहीं था सर। जो देखा सुना उसे सच मान लिया। खाना खिलाने वाली माँ नहीं थी सर, भूख से जलता था पेट, जिंदा रहने के लिए हर दिन लड़ना पड़ता था। कैसे जीते हैं कभी सोचा ही नहीं सर, जीने का तरीका कहां से सीखता मैं। बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने कहा था ना आप कुछ करना चाहते। थप्पड़ मारिए, मारिए सर, आप मुझे मारेंगे तो मैं उन्हें जाकर मारूंगा। मारिए सर, मारिए मुझे। बेटा गलती करे और बाप खामोशी से देखे, ये गलत है। पिताजी मारिए, उठाइए हाथ इस बेटे पर, मारिए मुझे।
कल सुबह तक अंकल के नाम के पेपर अगर मेरे हाथ में नहीं आए ना, तो परसों सुबह तक वासु के डेड बॉडी के हाथ में उसका डेथ सर्टिफिकेट होगा। बता देना उसे मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, मैंने तुमसे झूठ कहा, तुम्हें धोखा दिया, लेकिन अब मैं बदल चुका हूं और उस बदलाव की वजह तुम हो, यही सच है। आगे तुम्हारा फैसला। सच्चाई बताने के लिए तुम्हें किसने कहा था? जब बताना चाहिए था तब बताया नहीं, और अब जरूरत नहीं है तो बता रहे हो। अब मैं कंफ्यूज हूं कि मैं क्या करूं। मेरे साथ रहोगी या नहीं? वैसे तो तुम्हें छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन इस बात को कंसिडर करते हुए कि इस बदलाव के पीछे मेरा हाथ है, इसलिए किसी तरह गुजारा कर लूंगी। क्या कहते हो? चलो ठीक है।